हेलो गाइस, दिस इज रीटो, वेलकम बैक टू सबनॉटिका। अभी मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ मैं क्या कर रहा था अभी। तो एक्चुअली मैं ऑनलाइन ही था, बट ड्यूअल ओजोन स्टूडियोज पे। तो जिन लोगों को ड्यूअल ओजोन स्टूडियोज के बारे में नहीं पता, तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, चैनल का चेकआउट करो जल्दी से। एंड अभी मैं बताता हूँ ड्यूअल ओजोन स्टूडियोज के बारे में। ड्यूअल ओजोन स्टूडियोज एक्चुअली हमारा गेमर्स यूनाइट है, समझ लो। तो वहाँ पे ना मैं एक्चुअली रेजिडेंट ईवल 4 रीमेक की स्ट्रीम्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिन जिनको मेरे रेजिडेंट ईवल 4 की स्ट्रीम देखनी है, वो जाके जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी करो, फटाफट करो, नहीं मने फिर भी करो, ओके। तो अभी बढ़ते हैं ना अपने मेन टॉपिक पे। मुझे तो वहाँ लाइफ पॉट 2 दिख रहा है, वहाँ पे जाना है। तो उसके लिए लाइक मैं अभी भाई वहाँ पे खुद नहीं जाने वाला हूँ, मतलब मैं तो जाने ही वाला हूँ, लेकिन ये सीमोत लेके नहीं जाने वाला। मैं लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे साइक्लोप। तो मैं पहले देख लेता हूँ ना साइक्लोप बनाने के लिए कैसे चाहिए। तो मुझे तो 3 इनेबल्ड ग्लास चाहिए, उसके बाद प्लास्टिक इनगट चाहिए, उसके बाद लुब्रिकेंट भी चाहिए, लेड भी चाहिए। भाई क्या क्या लगता है यार इसे बनाने के लिए। चलो अभी देख लेते हैं माल क्या क्या है मेरे पास। तो मुझे 30 टाइटेनियम चाहिए, राइट। टाइटेनियम तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, एक मिनट, मैंने शायद गलत तिजोरियाँ खोल दिए। इस लॉकर में भाई डायमंड है, इस वाले में ये रहा टाइटेनियम, 2 ही मिला है। एक और क्वार्ट्ज चाहिए मुझे। तो चलो भैया अभी चलते हैं, डुबकी मारते हैं, थोड़ा सा सामान ढूंढते हैं। वाह भाई, सिल्वर भी मुझे यहीं से मिल गई थी अंदर से लाइक। ओके, 2 गोल्ड और चाहिए मुझे एडवांस फायरिंग किट बनाने के लिए। चलो थैंकफुली अपने पास गोल्ड भर भर के हैं, कॉपर नहीं है फिर भी। अरे भाई लाइट गई भाई यार, अभी इसके लिए कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा मुझे ना पावर के लिए। मैं सोच रहा था कहाँ गया वो, ये रहा। प्लास्टिक इनगट 3 लेड चाहिए, एक ही बारी का तो काम है। ये बना लेता ना मैं पहले, प्लास्टिक इनगट चाहिए, और प्लास्टिक इनगट के लिए मुझे चाहिए रहेगा भर भर के टाइटेनियम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 टाइटेनियम चाहिए मुझे। चलो ये तो बन गया। अभी एक काम करता हूँ ना, मैं सामान वापस रख देता हूँ जहाँ से लिया था मैंने। एक मिनट, टीक लाइट अबे। एंड मैं कहाँ बनाऊँ अभी, ये न्यूक्लियर रिएक्टर किसमें होगा, यहाँ पे, ये रहा। अरे ये तो वाटर फिल्ट्रेशन मशीन है, ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर। अरे वाह ये तो काफ़ी बड़ा है यार, अभी होपफुली ये पावर दे देना चाहिए। एक मिनट, पावर कैसे बढ़ाएगा ये, कुछ डालना पड़ेगा ये इसके अंदर ना। अभी इसे पावर देने के लिए और क्या चाहिए रहेगा भाई, बताइए रहा। रिएक्टर रॉड 3 यूरेनाइट क्रिस्टल, 1 लेड, 1 टाइटेनियम, 1 ग्लास। एक मिनट, मेरे पास वो ये है क्या, न्यूक्लियर वो क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, वो चाहिए रहेगा भाई, वरना भाई लाइक इसने अभी जस्ट बोला ना वो ये ख़राब कर देगा करके सारी चीज़। नहीं है मेरे पास, मुझे एक बार वो ढूंढने जाना पड़ेगा न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। इतनी देर से मैं सबनॉटिका खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने कंपस नहीं बनाया अब तक। वाह, तो पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। एंड यस, ना रे रुक जा, कंपस तो रह गया। कंपस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है देख लो, शायद टूल्स में होगा, नहीं डिप्लॉय नहीं। अरे कंपस बहुत काम में आता है यार, ये डायरेक्शंस को नोट करने में। ओके आई गेस नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की साइड है, ये रहा। इस साइड जाना है मुझे। बड़ी अच्छा है, मैंने कंपस बना लिया यार। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरा भाई सबनॉटिका खेल खेल के। मेरा पुराना वर्ल्ड तो चला गया, लेकिन मुझे लोकेशन अभी भी याद है सारी। अभी यहाँ पे और भी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे मुझे आई गेस। अभी होपफुली मैं रिएक्टर रॉड बना तो रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ा वगैरह कुछ नहीं है। एक मिनट, कहाँ गया रिएक्टर रॉड, यूज टू पावर न्यूक्लियर रिएक्टर, बढ़िया भाई। चलो अच्छा है, सही चीज़ तो बनाई मैंने एटलीस्ट। चलो भाई बढ़िया, अजीब से आवाज है यार इसकी तो। अभी ये लग जाएगा अंदर, ओहो हो गई भाई, बढ़ रही है पावर, बढ़ रही है, एक नंबर। पर हाँ मैं अभी ना ये न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल कहा गया, ये रहा। 2 टाइटेनियम लगेंगे इसके लिए, अभी बना देते हैं यार। भाई तुम भी क्या बात कर रहे हो भाई, अभी पूरी लाइक पावर की सप्लाई लगा दी मैंने, अभी भाई दिक्कत ही नहीं है किसी चीज़ की।
चलो वैसे भी इतनी जगह तो खाई रखी है। एक मिनट देखो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं यहाँ पे हाँ लगा सकता हूँ। क्या चाहिए? टाइटेनियम, कॉपर वायर और एरोजेल। पानी की भी बहुत समस्या आती है, पानी की समस्या भी सॉल्व हो गई अभी। एक मिनट, मेरे पास शायद मैंने बैटरीज में कोई और ऑप्शन सुना। चलो ये पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई अभी। हाँ कहाँ कहाँ किधर आराम किधर कर रहे हो मुन्ना? रुक जाओ ज़रा, अभी लगाते हैं तुमको काम पे। शायद दो लिथियम चाहिए रहते ना प्लास्टिक इंग्रेड बनाने के लिए। हाँ दो लगते, एक ही बनाया अभी। अभी मुझे और लाने पड़ेंगे 15। कंप्यूटर चिप रहे, ये रहा, एंड ये रहा एडवांस फायरिंग ग्रेड। चलो भैया सामान रेडी हो गया अपना, अभी करते हैं इसे क्लोज। एंड कहाँ गया अपना ये मोबाइल व्हीकल भी? वो रहा उस साइड। मुझे पता है प्रॉन सूट बनाने चाहिए था पहले, लेकिन मैं अभी ये बना रहा हूँ। हाँ इसके लिए क्या चाहिए थे? प्लास्टिक इनगट, इनेबल ग्लास, दो एरोजेल, दो डायमंड। सही, डीपर वाटर अभी लो, फिर उठा के चल देते तुमको। क्लाइंब नहीं रे, क्लाइंब नहीं, पिकअप करो इसे। अब सही है, होपफुली अब बिल्ड हो जाएगा। तो ये सबमरीन अगर बिगिनर्स को चलानी तो 3 लगेंगे, अगर अकेले चला रहे हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत बहुत, ऐसा ही कंप्यूटर जी का कहना है, ठीक है मेरा नहीं। अभी एक बार इसको देख लेते हैं, स्कैनर का आगे मेरा, ये रहा स्कैनर, बोर्ड साइक्लोप्स। इधर से गया और सीधा आगे निकल गया मैं, मैंने ये लॉकर देखे ही नहीं। चलो ठीक ठाक स्टोरेज है, 1, 2, 3, 4, 5 लॉकर सिस्टम थे और एक के अंदर 3x6 का स्पेस है। तो कौन ठोक रहा है भाई मेरी? अबे यार ये एक बवाल है भाई। ठीक है अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं। यहाँ 3 पावर सेल, भाई फ्री के पावर सेल मिल गए हमें। कितनी हेल्थ है इसकी? चलो हेल्थ भी नहीं गई और एनर्जी भी नहीं गई, तो यहाँ पे भी 3 पावर सेल है। एंड इधर साइक्लोप्स फायर सप्रेशन सिस्टम, क्रिस्टलाइन सल्फर एरोजेल, ये कहाँ मिलेगा पता नहीं। साइक्लोप्स शील्ड जनरेटर मॉडिफिकेशन, साइक्लोप्स मॉडिफिकेशन स्टेशन बेस, ऑफकोर्स भाई बेस रखेंगे ब्लैक एंड स्ट्रिप्स रखेंगे रेड। चलो ये बाहर जाके देखते हैं एक बार कैसा कलर चढ़ाए तो इस पर। ओए होए, ओए होए, क्या ही कलर है। और भाई देखो रिटोस्पेट नाम क्यों ही आ रहा था अगर यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा। ओ ये रहा ना रिटोस्पेट। एंड अभी देखते हैं ये, ओके ओके ओके, नीचे के कैमराज है, 1, 2, 3 कैमराज है। साइलेंट रन, देख ये तो बंद है लेकिन। इंटरनल लाइट बंद करो भाई यार पहले ना, अब ठीक है अभी। ओके बहुत आवाज कर रहा है ये लेकिन। क्या अभी ऊपर स्पेस से एंड नीचे सी, ओके वही नॉर्मल कंट्रोल्स है। ओके एक ही जगह में भी टर्न कर सकते हैं इसे हम। चलो भाई अभी इसे यही पे करते हैं बंद। चलो सीख ली भाई मैंने साइक्लोप्स ऐसी की तैसी। भाई इसकी डेप्थ कितनी है वैसे? डेप्थ कितनी है एक बार वो चेक करने दो, 500 मीटर। अभी एक काम करते हैं अपने भाई इक्विपमेंट्स को करते हैं यहाँ पे अनलोड, पावर बढ़ाने के लिए, चार्ज होने के लिए सॉरी। ओके तो ये तो हो गया इसका काम, एंड इसे करते हैं अभी सॉर्ट आउट। बैठते हैं अभी सीमोस में अपने। कहाँ गया? ओए भाई वो देखो ग्लो कर रहा है मेरा नाम। ओहो क्या ही शाइनी सा ब्लैक सा कलर दिया है मैंने उसे। अभी व्हीकल कैसे लगाएंगे इसके अंदर? ओह खुल गया। एंड चलो अभी
चलते हैं जर्नी पे, कहाँ जाना है उस साइड। इंजन को करो पावर अप, झटके मार रहा है भाई ये तो भाई। कहाँ नीचे ऊपर किधर ठुकरा है? कहाँ है वो लाइफ बोट टू वो साइड? हाउ अबाउट दिस? मैं सही में बताऊं तो यहां से ठीक दिख रहा है मुझे अभी ना। ओह लाइट्स के भी इसमें लेवल्स हैं। ओके सही तो जा रहा हूँ ना मैं? हाँ सही जा रहा हूँ। नीचे देख देख के ही चलाता हूँ ना यहाँ से। इंटीरियर लाइट ऑन रखता हूँ। अबे अच्छा हुआ मैं साइक्लोप्स के अंदर है, कहीं दूसरी जगह होता ना अब तक तो फेंक दिया होता बहुत दूर में। अबे अरे ये एक दिक्कत है भाई। अब यहाँ पे आराम से छानबीन कर सकता हूँ मैं क्या है क्या नहीं। एक काम करते हैं ना, पहले डेटा उठाते हैं बोरा, तो डेटा बॉक्स उठाता हूँ पहले मैं, बाद में देखता हूँ यहाँ पे ना। लाइक क्या बोला, साइक्लॉप्स डेप्थ मॉड्यूल। वाह यहाँ डेप्थ मॉड्यूल में घर पे ट्राई कर रहा था बनाने की, मुझे यहाँ पे आके ब्लूप्रिंट मिला उसका। अब भैसिया का वॉर्पर कहाँ है? वॉर्पर ये नीचे ही है मेरे बहन जी। निकलो भाई यहाँ से, रुकना ठीक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं भाई मुझे ढंग का। अभी मैं क्या सोच रहा था, ऊपर निकलते हैं, मैं बाद में बताता हूँ ना। बंद करो इसे। तो दो बैटरीज, अरे इंजन एफिशिएंसी लगाना तो भूल ही गया था मैं। अरे इस साइड से नहीं, इस साइड से लगे हो। एंड ये लगा दिया पहला अपग्रेड, इंजन एफिशिएंसी 300%। एंड यहाँ पे अभी आ गया डेप्थ मॉड्यूल, प्लस 3 इनगट प्लस 3 रूबी। चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रुकना ही नहीं है भाई यहाँ पे। निकलो यहाँ से, ओबे शांत रहो, कुछ नहीं करेगा वो मुंह में। डिले तो पेल लिए जाओगे भाई, इसका सीधा सीधा यही हिसाब रहता है, अगर हिले तो पिले। ठीक है देखो आप, ये येलो में आ रहे हैं और वो बाकी के रेड में आ रहे हैं। वहाँ भाई वाह, फायदा भाई ये बच्चा है। ठीक है ये बड़ा एडल्ट भी नहीं है, ये बच्चा है अभी, जुवेनाइल सॉरी, अंडे से निकला हुआ सीधा। अभी देखना ये सोनार में देखते रहो, बस पीछे पड़ेगा ये मेरे, अभी बस देखते जाओ सोनार पे नजर रखो बस। नहीं आया, चलो अच्छी बात है नहीं आया। चलो बेस पे तो आ गया अभी, अभी करते हैं अपने साइक्लोप्स को पार्क। हमें अपने साइक्लोप्स को अभी पार्क कर दिया यहाँ पे। एंड ये इंजन ऑफ, डेप्थ मॉड्यूल मिल गया और अभी हमने लगा दिया। आगे डेप्थ मॉड्यूल ये रहा, लगा रहे
चलते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ सिर्फ टीम मोड से, ठीक है। लाइक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी साइक्लोप चलाने का। कहाँ गया वो बड़ा वाला, बड़ा वाला क्लास हुआ गया। तो इस साइड जाना है मुझे। चलो भाई ना, सामने ही है, सामने ही है, सामने ही है। सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। अभी तक मिस 30 नहीं। ओ हट गई, लगा ही था मुझे यहाँ पे एक आइलैंड होगा करके। ठीक भाई, पेड़ पौधे लग रखे हैं यहाँ पे भाई, वो अजीब से अलग से। आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे नीचे में कुछ हो सकता है। एक बार नीचे जाके डुबकी मार के आता हूँ ना एक बार। ओके आई गेस ये वो हैबिटेट लाइफ, हैबिटेट 500 मीटर्स वाले का एरिया है ये, जहाँ पे मुझे वो 500 मीटर्स पीए मिला था, प्रपोज देखा था हैबिटेट, वही वाला एरिया। एंड इसी के नीचे ऊपर ही था भाई वो, लाइक मैं यहाँ पे आके गया था ऑलरेडी भाई। फ्लोटर देख रहे हो इतने बड़े बड़े, इसी की वजह से भाई ये आइलैंड तैर ना है अभी, वरना नहीं तो डूब गया होता अब तक तो। अभी एंट्रेंस ढूंढते हैं यहाँ पे ना, आई गेस एंट्रेंस मिल गई। ये रही, ये यहाँ पे पार्क कर देता हूँ ना मैं अपनी सीमा को। ठीक है सीमोस, यही पे बैठ कर मैं ज़रा आता हूँ घूम के। ओके तो मैंने यहाँ पे लाइक अपना सी ग्लाइड, रिपेयर टूल और ये ग्राफ ट्रैप यही पे छोड़ के जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन तीनों चीज़ों की कोई ज़रूरत है। लाइक सी ग्लाइड चाहिए रहता है पानी में ये तेज़ स्विम करने के लिए। एंड अभी मैं आइलैंड पे हूँ, लाइक लेज़र कटर ले रहा हूँ मैं। लाइक अगर मुझे कोई ये मिल गई चीज़ लाइक जहाँ पे मुझे मेटल गेट काटना पड़ गया तो उसके लिए काम आएगा लेज़र कटर, बस दैट्स इट। स्कैनर ये स्कैन करने के लिए, अरे एंड इस चीज़ के लिए प्रोपल्शन कैनन। अभी लाइक मुझे जाना किस साइड है आई गेस। ओए टॉप पे कुछ तो है वहाँ पे, निंग प्लांट। पीडीए देगा सी हैबिटेट पे मैं ऑलरेडी जाके आ चुका हूँ, क्यों ले रहे हो बार बार लोकेशन। ओके तो लाइक ये एक चीज़ है कि अगर किसी के पास ये 250 मीटर्स का अगर वहाँ नीचे मिल नहीं रहा ना किसी को ये, अगर ये लोकेशन, तो यहाँ पे आके एक बार चेकआउट कर लेना। ये पहाड़ी है ना, यहाँ पे ऊपर में एक रास्ता है तो केव एंट्रेंस के पास में मिल जाती है इसके। अभी जैसे अभी मुझे एक पीडीए डेटा मिला। ओए पार्कोर प्रो भाई, इधर से आई गेस ना, ये तो नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर फिर। ओके भाई इस बंदे की क्या फटी होगी ना, लाइक इतना ऊपर आके बेस बिल्ड कर रखा है। हाँ डर गया होगा ये पक्का। बल्क हेड वहाँ पे एक और है, अरे नीचे भी एक और है। वेट करो जल्दी, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। चलो चलो अंदर चलो। क्या मिला, बैटरी। एक वो एक्सटीरियर है, वो इंटीरियर है, मुझे उस साइड जाना है। अरे नहीं मरता अभी। चलो जाने दो भाई, मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, एक है भाई, इतने सारे लैंटन ट्री, बढ़िया फूड सोर्स लग रहा है मुझे ना ये, घर पे जाके लगाता हूँ इसे। चलो दैट्स इट, यही था, इतना ही था क्या यहाँ पे। चलो कोई ना, एटलीस्ट आया तो सही, लाइक मेरी मन की शांति तो हो गई। यहाँ से सब कुछ दिख रहा है मुझे एज कम्पेयर टू बल्बू ट्री। इसका फूड ज़्यादा है, बल्बू ट्री का पानी ज़्यादा है, वो वाटर लेवल ज़्यादा कर देता है। एनीवेज गाइस आज के लिए बस इतना ही। लाइक अभी बहुत सारी चीज़ें कर ली है मैंने, लाइक मैं बता देता ना अभी। तो ये साइक्लोप बना लिया हमने बड़ा चौड़ा, कहाँ गया ये, एक साइक्लोप बना लिया भाई। लाइफ पॉड 2 के पास भी जाके आ गए, वहाँ से एक डेप्थ मॉड्यूल का फ्रैगमेंट भी मिल गया, आई मीन ब्लूप्रिंट भी मिल गया। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि लाइक
एक आइलैंड पे गए, हैबिटेट वगैरह वहाँ पे देखा मैंने, और ये भी पता किया कि जो प्रपोज जगह से हैबिटेट है 250 मीटर वाला, तो वहाँ पे वहाँ के जो अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे तो सीधा जाओ आइलैंड पे, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज़रूर मिल जाएंगे केव के पास में, एंड सीधा फिर डीप डाउन। ठीक है, एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। दिस इज रीटो साइनिंग आउट।